इसको बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दे दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता भी ना रहेगी दास्तानों में। एक जंग फिलिस्तीन लड़ रहा है इसराइल से और डट करके मुकाबला कर रहा है, और एक जंग चवन्नी खोर लड़ रहे हैं पलपल न्यूज से। जी हाँ, जो लगातार अपडेट आ रही है उन अपडेटों को आपके सामने रखा जा रहा है, पर इन चीजों को अगर साइड में रखा जाए तो एक जंग जो है हिंदुस्तान में लड़ी जा रही है मुसलमानों से। जी हाँ, जिसमें मुसलमानों का हमदर्द, मुसलमानों का चेहरा, जिनकी जुबान पर दिन रात सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, इनका बस ना चले तो कत्ले आम मचा दें या दूसरों के हाथों से कत्ले आम करवा दें। ये तमाम चीजें जो हैं हर बार सामने आती हैं, पर इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मुसलमानों पर जुल्म होना चाहिए, तभी हम जो है अपने आप को चमका पाएंगे। और हिंदुत्व का राग अपना करके देश के मुसलमानों को बदनाम करेंगे, और अब तो देश के मुसलमानों से भी बढ़ करके इनकी हिमाकत हो गई है। बाबरी मस्जिद की शहादत करवाने के बाद भी ये लोग नहीं संभले हैं, पर अब मदीना शरीफ के गुंबद को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुसलमानों के सच्चे पत्रकार और सच्चे हमदर्द, जिनके दिल में मुसलमानों का दर्द ज्यादा है, उनका नाम है सुरेश चव्हाण के। हाँ, वो अलग बात है कि नेगेटिव खबरें ज्यादा रखते हैं मुसलमानों के लिए, पर मुसलमान इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं ये कभी कोई नजर नहीं आता है। एक ऐसी ही हिमाकत इसराइल और फिलिस्तीन के दौरान जो है सुदर्शन न्यूज चैनल के द्वारा की गई है, जिस पर पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। जो सुदर्शन न्यूज चैनल ने किया है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग पीछे देख रहे होंगे। सुदर्शन न्यूज ने इसराइल का समर्थन करने के नाम पर एक शो किया, उसमें मदीना शरीफ के गुंबद को ग्राफिक द्वारा दर्शाया गया, जिसे बाद में हरमेन शरीफ के ऑफिशियल हैंडल द्वारा ट्वीट कर सुदर्शन चैनल को माफी मांगने को भी कहा गया है। लेकिन बात जो है सिर्फ माफी मांगने से नहीं होगी, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट जो है वो बहुत कुछ बयां करता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आओ इसराइल का साथ दें, पार्ट टू कल की लड़ाई का साथी है इसराइल। मतलब कल लड़ाई किससे होने वाली है और इसराइल किसका साथी रहेगा, उसके अल्फाजों पर भी गौर करना जरूरी है। पर जो मिसाइलें ग्राफिक के जरिए ये दिखा रहे हैं वो कहां छोड़ रहे हैं, मदीना शरीफ के गुंबद के ऊपर। तो वहीं इसको आड़े हाथ लेते हुए हरम शरीफ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, उसमें लिखा गया है स्टेटमेंट इनसाइड दी हरमेन स्ट्रॉन्गली कंडेम्स अ स्टंट प्लेड बाय एन इंडियन न्यूज चैनल शोइंग दी डिस्ट्रक्शन ऑफ दी ग्रीन डोम एट मस्जिद अल नबवी मदीना एन एनिमेशन विल कवरिंग दी इसराइल अग्रेशन अगेंस्ट दी ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन टेररिस्ट। जो सच्चे हमदर्द हैं मुसलमानों के, ये उनके काले कारनामे हैं। जो वो दिखा रहे हैं वो सही है और जो हम बता रहे हैं वो गलत है। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं और सुदर्शन न्यूज चैनल की ये पहली बार हरकत नहीं है, ये लगातार ऐसी हरकतें करवाते रहते हैं। ये कभी ये बताते हैं कि जो कानून बनना चाहिए ऐसा कि जिस पर जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लग सके, हम दो हमारे दो का नारा लगा करके देश के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और अगर ये भी मुसलमान देश के भूल गए हों तो वो चीजें याद कर लें जो पिछले लॉकडाउन के दौरान ये इंटरनेशनल लेवल पर भी मुसलमानों का बहिष्कार करवा रहे थे और देश में इसका असर देखने को मिला था, जहां सलीम सब्जी बेच नहीं सकता था पर सुरेश आराम से सब्जी बेच रहा था। और ये भी चीजें भूल गए होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे यूपीएससी में तमाम बच्चे जो हैं वो करके आगे बढ़ रहे हैं और इन्होंने उसे यूपीएससी जिहाद कहा था। तब मुसलमान कहां थे और तब इनके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जो आज
जो चवन्नी खोर हैं हमें ज्ञान दे रहे हैं। पर चवन्नी खोरों, तुम्हें भी पल पल न्यूज ने एक जंग के मैदान में छोड़ रखा है, जो आप अपने अंगूठे से टाइप करके कर सकते हैं। आप करते रहिए और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।